इस चाय के लिए दिल्ली से वृंदावन आए, क्योंकि अभी भी एक घंटे का सफ़र बाकी है। एक घंटे का सफ़र, अभी एक घंटे को डेढ़ घंटे का बनाना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग सोचते हैं जल्दी पहुंचे, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लेट पहुंचे हैं। सो यार यहाँ से 2:15 का रास्ता देखो कब तक पहुंचते, 5:10 पे यहाँ से एग्जैक्टली दिल्ली के अंदर आईटीओ से निकल रहे हैं। तो वही दिमाग में आ रहा था यार, एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे हम पराठे खा रहे थे, मजे कर रहे थे, 2 नहीं 4 लोग थे और हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि आगरा घूमेंगे हम लोग। उफ। और जी क्या हालचाल है अपना, ये है एक अलग दिन जहाँ पे है एक ऐसा चैलेंज जिसको कई बार सोच के मुझे लग रहा है कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। अभी हो रहे 4:51 और तो आज मुझे निकलना है वृंदावन एंड एसी कर लेते हैं थोड़ा सा ऑन। अरे बाप रे, रातों रात रोड बना दी भाई यार, ये रोड बना रहे कि ये देखो ये इतनी ऊंची रोड बनाई है भाई इन लोगों ने, मतलब हद नहीं है। ये देखो मतलब एक खोद खाद के अच्छे से करके बना दे यार, रोड अच्छी हो जाए। बट गाइस आज सच में बहुत ज़्यादा हार्ड डे होने वाला है मेरा, और ये इस साइड से रॉन्ग साइड से आ रहे हैं लोग। अभी मैं ठुकता जरूर अगर मैं इधर ही कंटिन्यूसली इसमें देख के आप लोगों से बात कर रहा था तो पक्का मेरा सीन हो जाता। वृंदावन में एक प्रमोशनल शूट है मेरा जिसको मुझे निपटाना है, एंड देन उसके बाद निकलना है मुझे अगेन दिल्ली में। और ये मान लो आज रात के 12 बजे तक सुबह से लेके शाम तक मेरा ट्रैवल एंड इतना बिजी शेड्यूल रहने वाला ना कि मुझे सांस लेने वाले जो कहते हैं ना वो टाइम नहीं मिलने वाला। अब देखते हैं कितनी जल्दी मैं फ्री हो पाऊंगा, क्या रहेगा। एंड आप लोगों को भी आज के इस ब्लॉग में ना बहुत मज़ा आने वाला है। अगर घर में मम्मी हो भाई बहुत लक्की इंसान होते हैं, मैं भी बहुत लक्की हूँ। मेरी मम्मी ने क्या किया यार, देखो मैं सो रहा था, मैं उठा था 3:45 पे, मैं उठा उसके पहले मेरी मम्मी उठी हुई थी, खाना वगैरह बना रही थी। एंड जब मैं उठा मैंने कहा ये किचन के अंदर कौन है, तो मैंने देखा मम्मी रोटियां बना रही है और सब्जी वगैरह बना रही। मम्मी ने सुबह सुबह उठ के आधा आधा घंटा पहले मम्मी ने उठ के बना दिया। तो भाई ये चीज़ देख, मैंने रात को मम्मी को तो ये चीज़ है भाई, मम्मी को मैंने रात को बोला था कि मैं सुबह वृंदावन निकलूँगा शूट के लिए, और मम्मी रात के 3 बजे ही मान लो यार 3:30 बजे ही मम्मी उठ गई, उन्होंने सब्जी वगैरह बनाई और फिर मेरे लिए सब कुछ रेडी किया, लंच बॉक्स रेडी किया। एंड पीछे तो मेरा एक ब्लेजर देख पा रहे होगे इस साइड अगर दिख रहा होगा तो, और शादी में भी एक जाना है मुझे। जब जाम ना मिले ना इतनी जल्दी हम पहुंच जाते हैं कहीं पे किसी भी लोकेशन पे, दिल्ली के अंदर जब पहुंच जाते हैं ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। देखो 5:05 हो गए, सुमित के घर पहुंच गया, आईटीओ में है ये, और एग्जैक्टली मतलब बहुत ही स्लो आया हूँ मैं भी, 40 को मेंटेन करते हुए आया हूँ। तो ये देखोगे ना कि 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच गया। अगर यही दिन का टाइम होता तो कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा जाते यहाँ तक आने में, भाई इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है दिल्ली के अंदर का। अगर किसी ने भोका गाड़ी चढ़ा दूंगा ऊपर, जस्ट किडिंग। सो यार यहाँ से 2:15 का रास्ता देखो कब तक पहुँचते, 5:10 पे यहाँ से एग्जैक्टली दिल्ली के अंदर आईटीओ से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखेंगे क्या मिलता है, तो चलो कोई नहीं वैसे चल लेंगे। लो जी भाइयों आ चुके हैं हम फरीदाबाद के टोल प्लाजा पे, तो ताऊ कितने, अरे कोई है नहीं क्या, फास्टैग का ये तो कमाल है। अब भाई मौसम हो गया सुहाना सा और गाड़ी के अंदर ठंड लगने लगी थोड़ी थोड़ी, अब हो जाए चाय की चुस्की भैया, वो देगी गर्मी में थोड़ी नींद वगैरह खुल जाएगी। अभी दुकानें वगैरह यहाँ के आसपास की बंद है, इस वाले टोल के बाद की या अगले टोल के बाद, अगले के बाद वो नुक्कड़ वाला पड़ता है ना जहाँ पे हम पिछली बार रुके थे। हाय हाय, एक रफ एंड टफ राइड के बाद भाई चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। और जैसे कि बोलते भैया अगर ट्रैवल के टाइम चाय पियो ना तभी असली मजा आता है, बाकी टाइम मजा नहीं आता। और इस समय चाय पीने का मन भी इतना ज्यादा करता कि बस मिल जाए। तो आ गए एक जगह पे, पीते हैं चुस्की के मजे लेते हैं। बिस्कुट का जुगाड़ घर से था, टाइगर क्रंच। कौवा काम क्यों रहा है, भूख लगी है कुछ खाएगा, अभी रुक जा। यहाँ इस मेहमान को थोड़ी सी भूख लगी है भाई, काफी ज्यादा लगी है, ले खा लेगा। चलो कभी कभी रास्ते में खिला देना चाहिए, पुण्य कर देना चाहिए, कुत्तों को खिलाना जरूरी है बिस्कुट वगैरह, भाई हमारे सिवा है कौन इनका। लो जी 2 और आ गए, ओए ओए आ जा जा आ जा 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 जा, चले ना ऊपर नहीं चढ़ने का, ऊपर नहीं चढ़ने का, खाओ इनका, मुझे नहीं समझ आ रहा ये खाएगा जरूर, तू ही खा। लो भाई चाय की चुस्की हो जाए बिना चेयर्स की है। अरे भाई चेयर्स चेयर्स, सुबह सुबह चाय
नींद ओखला यहाँ से टूटे तो सफ़र के मज़े लिया जाए, क्योंकि अभी भी एक घंटे का सफ़र बाकी है। एक घंटे का सफ़र, अभी एक घंटे को डेढ़ घंटे का बनाना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग सोचते हैं जल्दी पहुँचे, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लेट पहुँचे हैं, और हर ट्रिप में सोचते हैं जल्दी पहुँचे, ऐसा भी हो रहा है। देख रहे हो, आपके साथ कभी हुआ है कि आप जल्दी पहुँचो फिर सोचो यार थोड़ा लेट चलते हैं? तो जी लो जी, आ गए वापस अपने, बैक टू द पवेलियन। पवेलियन म्यूट, चाय नाश्ते के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करना भूल गया, बैक कर रहा हूँ बिना स्टार्ट के। तो दोस्तों चाय नाश्ता हो गया, चाय का टेस्ट अच्छा, बिस्किट खाया, तो को भी खिलाया, और अब हम निकल चुके हैं अपने आगे की सफर की ओर। पर उससे पहले कभी शौचालय मिल जाए थोड़ा सा, ये जाने के बाद प्रेशराइज्ड हो गए हम। इसी साइड ही चलता हूँ, इधर ही कहीं होना चाहिए, इधर हो लेंगे, उसके बाद फिर चढ़ेंगे हाईवे के ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ नहीं मिला फिर तो प्रेशर लॉक के रोक के रखना पड़ेगा बेबी, लॉक के रोक के। यहाँ पे जब हम लोग चाय पी रहे थे, ठीक है, बिस्कुट खाते हुए, द चाय सुट्टा बार टाइप, सीधी बात, तो हमें हमारी एक पुरानी मेमोरी याद आई। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग यहाँ से आगरा जा रहे थे घूमने के लिए, चार लोग थे हम लोग। उस समय हमने इसी सेम लोकेशन पे को गाड़ी लगा के खीर खाई थी, आलू गोभी की सब्जी खाई थी, आलू के पराठे खाए थे, रोटियाँ खाई थी। भाई वो चीज़ याद आ रहा था जब हम बैठे हुए थे ना, मैं जब चाय पी रहे थे गाड़ी के ऊपर बैठ के, तो वही दिमाग में आ रहा था यार एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे हम पराठे खा रहे थे, मज़े कर रहे थे, दो नहीं चार लोग थे, और हम लोग इतना एक्साइटेड थे कि आगरा घूमेंगे हम लोग, और हम लोगों ने घूमा भी था। अब वाला ब्लॉग देखूंगा एक बार दोबारा जाके, आप लोगों को भी अगर देखना है, इंटरेस्टेड हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डाल दूंगा मैं आगरा वाले ब्लॉग का। कौन थे वो चार लोग आपको गैस करके बताना, अगर आप लोग तो देखते नहीं हो, कितने लोग देखते हैं अब, तो आप लोगों में से 80 लोग देखते हो यार, मतलब 500 सब्सक्राइबर में से 80 लोग देखते हो, तो आप लोगों में से बताना है कि कौन से वो चार लोग थे जो गए हुए थे बिना व्लॉग देखे। वैसे कमेंट तो करते ही नहीं है, फिर भी मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि आप, पता किसी दिन आपका मन कर जाए कि भैया यार इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, कमेंट कर दे, तो इसी चक्कर में मैं कोशिश करता रहता हूँ। बट अपनी मेमोरी डायरी में बनाता रहूँगा, बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा मुंबई वाले सफ़र तक। क्या पहले की प्लानिंग अभी बता दी? ना, देखते हैं कब तक होगा, पर ड्रीम है एक बार मुंबई इसी कार से, I-10 से ही मुंबई तक जाने का, बिकॉज हम अभी खर्चा वर्चा वही सोचे थे, आ रहे थे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे देखा हमने, जो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वाला बना पड़ा हुआ है नया वाला, भाई लोग कहते हैं बहुत ही मक्खन बना हुआ है, पर अभी तक विजिट नहीं किया हमने, उसके ऊपर चढ़े नहीं है, उसके ऊपर नहीं गए, पर मन करता है, पर जिस दिन चढ़ेंगे तो सीधा मुंबई ही ले चढ़ेंगे, है छोटी मोटी काम नहीं करना, बड़े काम करना है। बड़ा प्यारा लगता है आज, मतलब 120 तक ही टच कर गया, फिर बार बार स्लो करना पड़ रहा था, टॉप स्पीड आज भी नहीं चेक कर पाया कि कितनी टॉप स्पीड इसकी जाएगी, वो भी CNG पे गई है भाई, 120 125 130, तो मैं दूसरी जगह पे लेके गया था, तो चलो उस ढाबे पे आगे जहाँ पे हम हमेशा खाते होते हैं, यहाँ जब भी आते हैं इस चाय के लिए दिल्ली से वृंदावन आए, और जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस ढाबे की ये चाय मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और भाई साहब ये अल्टीमेट लेवल की चेयर, सॉरी एक एक सिप हो जाए, और यहाँ की लस्सी भी और यहाँ का खाना भी मेरे को काफ़ी पसंद है यार, टेस्टी है, मैंने हर बार बताया हुआ है अपने पिछले कई भी ब्लॉग में बताया, पर बाहर का तो मैं खा नहीं सकता अभी आजकल, तो मम्मी ने जो बनाया वो खाऊँगा, मम्मी के हाथ का। चाय कैसी है आज? वही स्वाद। लो जी आ जाओ, आप लोगों को भी खाना है, स्वाद के मजे लेने तो आ जाओ, ये टेस्ट, ये ओए होए, मम्मी के हाथ का ओए होए, लव यू मम्मी, मस्त है। और खाना खाने का मज़ा तो बाहर ही आता है, घर से ज़्यादा तो कई बार खाना है आपको अभी अभी खाना हो जाता, कैमरा के भी खाना हो जाता, रुको खिलाता हूँ आप लोगों को भी। बड़ा भाई छोटा भाई खाते हो? वैसे तो मैं मीडियम बाइट खाता हूँ, कई लोग बड़ा बड़ा खाते हैं, ये लो। हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो,
तो ये खाना वाना खाने के बाद अब जा रहा हूँ काम करने। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा कब बता नहीं सकता, पर हाँ टाइम की बात करें तो टाइम हो चुके 8:53 यानी 9 बजने हो गए, तो थोड़ा सा वेट करो आप तक छोटे से ब्रेक के बाद।